नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट के अंदर एसिड के सारे कंटेंट खत्म करने जाएंगे, क्योंकि आज हमारा एसिड खत्म हो जाएगा और ऑलमोस्ट ये कोशिश करूंगा कि बेस भी शुरू कर दूं। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ा प्यारा चैप्टर है ये आपको, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आखिरकार एसिड में कॉमन, सारे एसिड के अंदर कॉमन क्या होता है। तो आपने बोल दिया कि बच्चों क्या आपने बोल दिया कि सर जितने भी एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, उन सभी के अंदर कॉमन क्या होता है बच्चों? उन सभी के अंदर कॉमन होता है H प्लस आयन। कौन सा आयन? H प्लस आयन, यही होता है। अच्छा, और मैंने ये बता दिया था कि भाई H प्लस आयन कॉमन होता है एसिड में, लेकिन क्या हम इस बात को ये कह सकते हैं कि H प्लस आयन होने का मतलब एसिड है? तो नहीं। क्यों? इसका रीजन मैंने दिया था आपको, वाटर। क्योंकि वाटर के अंदर H प्लस आयन होता है, लेकिन क्या हम इसको एसिड बोलते हैं? एसिड नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बच्चों सिर्फ H प्लस आयन के होने से कोई चीज एसिड नहीं हो सकती। एसिड होने के लिए एक और रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, एक और चीज की जरूरत होती है। वो क्या है बच्चों? देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एसिड में H प्लस आयन के साथ वाटर भी हो तो वो क्या बनता है? वो बनता है H3O+, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड के अंदर H प्लस आयन है, ये बात सही है, लेकिन एसिड अपना कैरेक्टर कब दिखाएगा? एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर, अम्ल अपना अम्लीय प्रकृति कब दिखाएगी भाई? अम्लीय प्रकृति कब दिखाएगी? एसिडिक कैरेक्टर कब दिखाएगा? जब एसिड लिक्विड स्टेट में होगा, तरल अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा बच्चों? तरल। मतलब कि बिना जितने भी एसिड हैं इस दुनिया में, जितने भी एसिड, वो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। बिना लिक्विड में, बिना वाटर के प्रेजेंस के, वो अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा सकते। और मैंने शायद आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कुछ, कि बच्चों आप मेरे को कोई भी एक ऐसा एसिड बता दो जो सॉलिड फॉर्म में हो, तो नहीं बता पाओगे। क्यों? देखो, भले ही मानता हूं सॉलिड फॉर्म में कुछ मिल जाएंगे, लेकिन वो वर्क तभी करेंगे जब लिक्विड स्टेट में होंगे। जैसे अब मैं कह दूं कि भाई आमचूर ले लो, असल में तो आमचूर सॉलिड दिखता है, खट्टा भी होता है, लेकिन खट्टा कब लगता है? जब आप उसको अपने जीभ पर रखते हो, और आपके जीभ पे क्या होता है भाई? सलाइवा होता है। सलाइवा मीन्स वाटर लेवल होता है, और जब वाटर उस पर टच होता है तब आपको उसको एसिडिक बिहेवियर शो करता है। वरना आप उसको पीएच पेपर पर डाल के देख लो, नहीं होगा कुछ। ठीक है, लेकिन जैसे पीएच पेपर को हल्का गीला करोगे वो हो जाएगा। तो वही प्रैक्टिकल मैं आज दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार एसिड भाई लिक्विड स्टेट में ही क्यों काम करता है और बिना लिक्विड स्टेट में काम क्यों नहीं करता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये। मैं आपको पढ़ा चुका था, ये बस रिवाइज कराया मैंने आपको। ठीक है, चलिए। तो आखिरकार हम देखते हैं कि एसिड जो होते हैं वो पानी के बिना काम क्यों नहीं कर पाते। तो टॉपिक लिखेंगे लिखेंगे एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये लाइन लिख लो, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। हिंदी वाले लिखेंगे जल की अनुपस्थिति में अम्ल, जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं, में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस लो भाई, देखो क्या है, क्या बताने जा रहा हूं मैं। बच्चों देखो, अब देखना ध्यान से, मैं क्या आपको यहां प्रैक्टिकल करा रहा हूं। आपके पास प्यारे बच्चों एक बीकर है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ठीक है, आपके पास एक बीकर है। अब क्या है बीकर में? बीकर में क्या लिया मेरे प्यारे बच्चों? हमने बीकर में लिया HCl, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में भी यही नाम होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसके नीचे मैंने ले लिया भाई बर्नर। बर्नर मतलब क्या? आग जला दी। क्या जला दी मैंने? आग जला दी। ठीक है,
अब भाई किसी भी चीज को गर्म करोगे तो आपको तो पता ही है उसमें से गैस निकलना शुरू होती है, ठीक है। तो जब आप एसिड को गर्म करना शुरू करोगे, ठीक है, फ्लेम, फ्लेम मतलब क्या होता है, लो, ठीक है, जैसे ही आप इसको गर्म करना शुरू करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से ना आपको एक गैस निकलती हुई दिखाई देगी, एक गैस निकलती हुई दिखाई देगी, और इस गैस का नाम होगा बच्चों, इस गैस का नाम होगा ड्राई HCl गैस, हिंदी में शुष्क HCl गैस, ठीक है। शुष्क मतलब क्या होता है, ड्राई मतलब क्या होता है बच्चों, एक बात बताओ, आप कपड़े धोते हो, ठीक है, तो कपड़े धोने के बाद आप, यानी जैसे अगर वॉशिंग मशीन में धोते हो तो क्या करते हो आप पहले उसे मतलब पानी वाले में धोते हो, फिर आप उसके बगल वाले में डालते हो, जिसे आप लोग कहते हो कि भाई वो ड्राई कर देता है, क्या कर देता है, ड्राई कर देता है। तो ड्राई का मतलब क्या हुआ, ड्राई का मतलब यह होता है जिसमें से वाटर को निचोड़ के निकाल लिया जाए, ड्राई का मतलब क्या होता है, जिसमें से वाटर को निकाल के, यानी वाटर को निचोड़ लिया जाए। जैसे हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर वाटर लेवल भी होता है और पल्प भी होता है, तो ड्राई फ्रूट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम उनमें से उनका वाटर लेवल बिल्कुल क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि ड्राई HCl गैस मतलब क्या, ये जो इसमें से HCl गैस निकलेगी ना वो कैसी होगी, ड्राई होगी, वो कैसी होगी, ड्राई। और याद रखना ड्राई HCl गैस का मतलब हुआ कि ये एक प्रकार की कौन से आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे, कौन से आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मुझे सबसे पहली क्लास आप लोगों को याद होगी, हमने सीखा था कि एसिड कौन से पीएच को चेंज करता है, तो बच्चों एसिड किसको करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, एसिड क्या करता है बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। यानी कि आप ये जानते हैं कि अगर किसी एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे डाला जाए तो वो रेड हो जाएगा, ये जानते हो। लेकिन बच्चों अब देखो ये पेपर कैसा है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, ये पेपर कैसा है जल्दी बता दो, ये पेपर है ब्लू लिटमस पेपर, हिंदी में नीला लिटमस, ठीक है भाई, नीला लिटमस, इसीलिए मैं लिख भी रहा हूं नीले से ही, ठीक है, नीला लिटमस। अच्छा अब जल्दी से मेरे को एक बात बता दो कि बच्चों हमने पेपर जो लिया वो क्या लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, और जब हमने इसे ड्राई HCl गैस के सामने रखा, शुष्क HCl गैस के सामने रखा, तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि देखो ये गैस जो है कौन सी है, ड्राई HCl गैस, शुष्क HCl गैस, और इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, H+। तो भाई हमने तो यही सीखा है ना कि H+ आयन का मतलब ये है कि वो एसिडिक है। लेकिन बच्चों आपको अभी पिछले टॉपिक में मैंने एक बात समझाई कि H+ आयन का होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो एसिडिक डेफिनेटली होगा, H+ आयन होने का मतलब बस इतना ही है कि हाँ भाई इसके अंदर हो सकता है एसिडिक कैरेक्टर हो, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड कौन करेगा, एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड करेगा उसका वाटर लेवल, जो कि कौन सा आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये बात मैंने पढ़ा दी। तो देखो अभी ये कौन है, ड्राई है, अकेला H+ है, लेकिन अगर मैं इस H+ में वाटर मिला दूं तो क्या ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, भाई डेफिनेटली बन जाएगा। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड केस में आना है, ठीक है। ये जो पहला पेपर था कैसा था, ये था भाई ड्राई, ये कैसा था, ड्राई, शुष्क था। लेकिन अब हम लोग पता क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये केस था फर्स्ट, अब केस सेकंड यहां पे दिखाऊंगा। केस सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, केस सेकंड में इसी ब्लू लिटमस पेपर को, केस सेकंड में इसी ब्लू लिटमस पेपर को एक बार पानी में डिप करेंगे, क्या करेंगे, वाटर में डिप करेंगे। मान लो मैंने यहां पे ये वाटर बना दिया, ठीक है, ये वाटर बना दिया, और इस वाटर में हमने क्या किया, इस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप करा दिया, इस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को डिप करा दिया। तो भाई जब ड्राई वाले को पानी में डाल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वेटी हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो देखो सेकंड केस में, सेकंड केस में अब ये पेपर कैसा बन चुका है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में पेपर कैसा हो चुका है, वेट, ठीक है, वेट ब्लू लिटमस पेपर, हिंदी में बोले तो गीला नीला लिटमस, कैसा हो गया है,
गीला, गीला मतलब क्या, वेटी, जिसमें भाई क्या आ गया भाई, वाटर का लेवल आ गया। अब होगा क्या, अब जैसे ही इस गीले वाले लिटमस को, इस गीले वाले लिटमस को इस गैस के सामने लेकर आओगे, तो जैसे ही ये गैस इस पर टकराएगी ना, तो तुरंत ये पेपर कैसे रंग का होना शुरू हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये तुरंत ये पेपर बच्चों रेड कलर का होना शुरू हो जाएगा। कैसा होना शुरू हो जाएगा, रेड कलर का होना शुरू हो जाएगा। रीजन, क्योंकि जब ये पेपर ड्राई था तो सिर्फ आयन कौन सा था, एच प्लस, लेकिन और ये एच प्लस आयन किसके अंदर था, इस ड्राई गैस में, लेकिन जैसे ही मैंने पेपर को गीला किया, मैंने लिटमस पेपर को वेट किया, तो हुआ क्या, एच प्लस आयन तो इस गैस में था ही, और वाटर की वजह से इसके अंदर क्या आ गया भाई, वाटर की वजह से इसके अंदर क्या आ गया, एच प्लस आयन इसका था, ठीक है, और वाटर इसमें था। तो आपको तो पता ही है कि जब एच प्लस आयन और वाटर मिल जाते हैं तो ये कौन सा आयन बनाता है, H3O+ आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसकी वजह से भाई इसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। कैसा कैरेक्टर हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर। तो हमने क्या देखा कि भाई एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल वाटर था। यानी कि बच्चों हमने प्रैक्टिकल से यह देख लिया कि जब तक हमें एसिड वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, समझ रहे हो, लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में नहीं मिलेगा, वो अपना एसिडिक कैरेक्टर अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा, अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एसिडिक कैरेक्टर दिखाने के लिए, अम्लीय व्यवहार दिखाने के लिए पानी की जरूरत, मतलब वाटर का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, पानी की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। इस प्रैक्टिकल ने हमें ये साबित कर दिया। क्लियर, फटाफट उतारिए इसको, नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाता भी हूं आप लोगों को, ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाफट, वीडियो पॉज करके। देख लो बिल्कुल स्लोली, इसीलिए पढ़ा रहा हूं मैं, एक भी चीज में मैं भगा नहीं रहा हूं आपको, ठीक है, कि हाँ यार ये ऐसे है, ये ऐसे हटाओ, हो गया बच्चों वाला है, नहीं, एक एक चीज को देखो, मैंने बिल्कुल तसल्ली से बताया है और इतने डिटेल में बता दिया है कि एक एक चीज तुम्हारे सामने क्लियर है। अगर तुमसे कोई टीचर आके उल्टा सीधा कुछ भी पूछ लेगा ना इससे, कि हाँ भाई तुम्हारे लेवल तक, देखो पूछने को तो अभी इसके अंदर और क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, लेकिन वो तो 11th 12th का सेक्शन चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे 10th लेवल तक अगर इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने सारे कवर कर दिए, अब तुमसे कुछ भी पूछ ले कि हाँ भाई HCl को गर्म करने पे जो गैस निकलेगी वो कैसी होगी, तो आप बताओगे हाँ भाई वो ड्राई होगी, हाँ जी उसमें कौन सा आयन होगा, तो एस प्लस आयन होगा जी, वो एसिडिक कैरेक्टर कब दिखाएगा, जब हम वाटर के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, हाँ जी एच प्लस आयन को जब वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो कौन सा आयन बनता है, तो आंसर क्या, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। लिटमस पेपर को गीले करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बिना वाटर के एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होता है, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर लिखवा दी, ठीक है। तो चलिए अब क्या है भाई, लिखते हैं, ठीक है, पहले तो इस टॉपिक के बारे में लिख लो पहले थोड़ा सा, ठीक है, सभी लिखो, लिखिए लिखिए लिखिए, चलिए सबसे पहले लिखेंगे, हाँ जी लिखो, ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन एच प्लस आयन, ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन एच प्लस आयन्स, ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन एच प्लस आयन्स, ठीक है, पहला लिख लिया। एच प्लस आयन के ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन ये भी लिख सकते हो, हिंदी वाले लिखेंगे, लिखेंगे सभी अम्लों में एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन, एच प्लस आयन के ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, सभी अम्लों में एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, एच प्लस आयन हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, जिसके बारे में हम बच्चों कैसे पता लगाते हैं, हम पता लगाते हैं बच्चों इसके बारे में कैसे, इसको वाटर में डिसॉल्व करके। तो जरा ये भी लिखेंगे सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, लिखिए एसिड्स 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 डिसॉल्व इन वाटर, एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर
एसिड डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस एच प्लस आयन, एंड प्रोड्यूस एच प्लस आयन। अम्ल, हिंदी वाले लिखेंगे, अम्ल जल में विलय होकर, अम्ल जल में विलय होकर एच प्लस आयन वियोजित करते हैं, एच प्लस आयन वियोजित करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब लिखो जरा। अब लिखिए जरा, हाँ जी, लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखो पहले, वाई एसिड्स, वाई डू, ऐसे लिखना, वाई डू एसिड्स वाई डू एसिड नॉट सो एसिडिक बिहेवियर, नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, आंसर लिखो इसका, लिखो इसका आंसर, लिखो, विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर, विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर, विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर इट कैन नॉट मेक, इट कैन नॉट मेक, इट कैन नॉट मेक एच प्लस आयन, इट कैन नॉट मेक एच प्लस आयन एंड डू नॉट सो, एंड डू नॉट, एंड डू नॉट सो एसिडिक बिहेवियर, एंड डू नॉट सो एसिडिक बिहेवियर, डू नॉट सो एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे, जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में पदार्थ हाइड्रोजन आयनों को नहीं बनाएगा, पदार्थ हाइड्रोजन आयनों को नहीं बनाएगा, पदार्थ हाइड्रोजन आयनों को नहीं बनाएगा और इस कारण अपना अम्लीय व्यवहार, और इस कारण अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा, प्रदर्शित नहीं करेगा। अब जरा ये प्रैक्टिकल लिख लो, इस प्रैक्टिकल के बारे में भी लिख लो, लिखो, हिंदी वाले लिखो पहले, फिर इंग्लिश वाले लिखवाता हूं, लिखो, जब HCl को, जब HCl को गर्म किया जाएगा, जब HCl को गर्म किया जाएगा तो उसमें, तो उसमें से शुष्क HCl गैस निकलेगी, शुष्क HCl गैस निकलेगी जो, जो शुष्क नीला, नीले लिटमस को, जो शुष्क नीले लिटमस को लाल नहीं कर पाएगी, शुष्क नीले लिटमस को लाल नहीं कर पाएगी। ठीक है, नीले लिटमस को लाल नहीं कर पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब शुष्क नीले लिटमस को, लेकिन जब शुष्क नीले लिटमस को गीला किया जाएगा, गीला किया जाएगा तब, तब
वह गीला नीला लिटमस, तब वह गीला नीला लिटमस H प्लस आयन के साथ मिलकर, गीला नीला लिटमस H प्लस आयन के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। H प्लस आयन के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा जो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, जो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलो इंग्लिश वाले लिखेंगे। लिखो, व्हेन एससीएल इज हीटेड एंड प्रोड्यूस ड्राई एससीएल गैस, व्हेन एससीएल इज हीटेड एंड प्रोड्यूस्ड ड्राई एससीएल गैस एंड कॉन्टैक्ट विद ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, एंड कॉन्टैक्ट विद ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, आगे लिखेंगे, द ड्राई एससीएल गैस कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ, द ड्राई एससीएल गैस कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज एब्सेंस ऑफ वाटर, बिकॉज एब्सेंस ऑफ वाटर, बट व्हेन ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, बट व्हेन ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन वाटर, इज डिप्ड इन वाटर, इट बिकम्स वेट ब्लू लिटमस, इट बिकम्स वेट ब्लू लिटमस एंड देन कॉन्टैक्ट विद ड्राई एससीएल गैस, एंड देन कॉन्टैक्ट विद ड्राई एससीएल गैस इट चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, इट चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड बिकॉज ऑफ हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज ऑफ हाइड्रोनियम आयन विच शोज एसिडिक बिहेवियर, विच शोज एसिडिक बिहेवियर, विच शोज एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, विच शोज एसिडिक बिहेवियर। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आप लोगों को भाई तीन पॉइंट और लिखवाता हूं। ठीक है, तीन पॉइंट और लिखवाता हूं। चलो शुरू करते हैं बच्चों, तीन बातें और लिखते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, आज देख लो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज एसिड खत्म है आपका। ठीक है, एसिड खत्म है, कोशिश करूंगा कि बेस भी शुरू करा दूं, लेकिन एसिड तो आज पक्का खत्म हो जाएगा। चलो चलिए देखेंगे जरा क्या बता रहा था मैं। बच्चों तीन नाम लिख रहा हूं, ग्लूकोज, ऐसे लिखते हैं ना ग्लूकोज। हाँ भाई ऐसे लिखते हैं, या आधा का आता है शायद, है ना, ग्लूकोज ऐसे लिखते हैं। अच्छा तीसरा नाम है अल्कोहल,
और तीसरा नाम है डिस्टिल्ड वाटर। आसुत जल, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, आपको मैं एक बात बता दूं, हमने क्या सीखा कि जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन हो, ठीक है, और या वाटर लेवल हो, तो वो एक प्रकार का एसिड होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहचान करना भी सिखाया कि बच्चों किसी भी एसिड की पहचान कैसे की जा सकती है, उसको पानी में डिसॉल्व करो, अगर पानी में डिसॉल्व होने के दौरान वो H प्लस आयन निकालता है, अगर पानी में डिसॉल्व होने के दौरान वो H प्लस आयन निकालता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। यही सीखा हमने भाई, मैं लगभग 2 क्लासों से यही बताते आ रहा हूं कि भाई जब हम किसी एसिड को पानी में मिलाते हैं और वो डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन निकाले, तो वो एक एसिड है। यही सीखा है, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एक ही काम करता है। अब देखो, कहने को तो लोग ग्लूकोज को और अल्कोहल को एसिड कहते हैं, कहने को लोग ग्लूकोज को और अल्कोहल को भाई एसिड कहते हैं, और कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये लोग एसिड है नहीं, ये लोग एसिड है नहीं। तो इसका क्या रीजन है कि ये लोग एसिड नहीं है, इसका क्या रीजन है कि ये लोग एसिड नहीं है? तो सिंपल भाई, ये सिंपल क्या है, सिंपल कि भाई इन दोनों को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, जल में घोलते हो, जल में विलय करते हो, तो ये लोग H प्लस आयन डिसोसिएट नहीं करते, डिसोसिएट डिसोसिएट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं क्या भाई, है ना, ये H प्लस आयन विसरित नहीं करते हैं, विसरित नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ग्लूकोज और अल्कोहल एक एसिडिक जैसे दिखते हुए भी एसिडिक नहीं है, ग्लूकोज और अल्कोहल एक अम्ल होते अम्ल दिखते हुए भी अम्ल नहीं है, तो क्यों? तो आंसर, क्योंकि ये लोग वाटर में डिसॉल्व होते वक्त H प्लस आयन को डिसोसिएट नहीं करते हैं, H प्लस आयन को डिसोसिएट नहीं करते हैं। तो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, ये एक्सेप्शन केस है इनके, एक्सेप्शन केस है इनके, ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक है। तो लिख लो क्वेश्चन, लिखो व्हाई डू ग्लूकोज एंड एल्कोहल व्हाई डू ग्लूकोज एंड एल्कोहल नॉट शो देयर एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। आंसर लिखिए, लिखिए ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो देयर एसिडिक कैरेक्टर, ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो देयर एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट डू नॉट डिसोसिएट, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दे डू नॉट डिसोसिएट एच प्लस आयन, दे डू नॉट डिसोसिएट एच प्लस आयन ड्यूरिंग डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है जी, ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक। अच्छा, इन दो का क्वेश्चन तो क्या आएगा कि ये दोनों एसिडिक होते हुए भी एसिडिक नहीं है, तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया, आंसर भी बता दिया। अब आएगा कि भाई डिस्टिल्ड वाटर आसुत जल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों नहीं करते, विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, ठीक है भाई, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं करते, भाई जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो करता? तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं शो करता वो तो हम थोड़ी देर में जानते हैं, पहले ये जानो कि डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है? डिस्टिल्ड वाटर का पहले बात तो फॉर्मूला होता है D2O, क्या होता है?
D2O, ये तो याद कर लो, कई बार पूछ लिया भी है, एक नंबर में, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर का फॉर्मूला भाई क्या होता है, D2O, जैसे H2O वाटर हो गया तो डिस्टिल वाटर D2O, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि डिस्टिल वाटर पहले क्या होता है, तो बच्चों डिस्टिल वाटर होता है कि जब बारिश हो रही होती है ना, बारिश की जब शुरुआत होती है जहां से पानी निकलता है, तो वही पानी होता है डिस्टिल वाटर। लेकिन हमारे पास तक आते आते क्या होता है भाई, हमारे पास तक आते आते वो पानी बिल्कुल जहरीला हो जाता है। कहोगे हैं जहरीला भाई, आसमान में क्या जहर है, क्या सांप छोड़े हुए, बिच्छू छोड़े हुए, तो भाई क्या जहर कैसे आ गए? तो भाई देखो जहर है कैसे, मैं बताता हूं भाई। देखो हमारी अगर ये अर्थ है, तो आपको पता ही हमारे अर्थ के भाई कई सारे लेयर से मिलके बना है। मान लीजिए ये बादल है, ठीक है। अब ये बादल क्या हुआ भाई, ये बादल यहां पर आ गया, अब यहां से पानी की बूंद निकली, तो भाई देखो यहां तक तो कोई पोल्यूशन नहीं है, यहां तक तो कोई पोल्यूशन नहीं है, तो पानी की बूंद बिल्कुल साफ आ रही है। और ये पानी की बूंद उस टाइम पे कौन है, डिस्टिल वाटर है। लेकिन जैसे ही ये पानी की बूंद हमारे एटमोस्फेयर में एंटर कर गई, यहां पे हमारे एटमोस्फेयर में, तो भाई यहां तो आपको पता है दुनिया भर की गाड़ियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, कुछ ना कुछ चल रही हैं, तो इसमें बहुत सारी गैसें फैली हुई हैं। इसमें बहुत सारी क्या फैली हुई हैं, गैसें फैली हुई हैं। और उन गैसों में कुछ खतरनाक गैसें हैं, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब बहुत जहरीली गैसें हैं, समझ रहे हो? ये सब क्या है, बहुत जहरीली गैसें हैं, ठीक है। और ये करते क्या है भाई, और भी बहुत सारी गैसें हैं, CO2, ठीक है, ये सब बहुत जहरीली गैसें हैं, जो कि क्या करते हैं भाई, इन वाटर के साथ मिलके एसिड बना देते हैं। इन वाटर के साथ मिलके क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। कैसे बना देंगे, अब देखना, जब कभी बिल्कुल छोटी मोटी बारिश होती है, छोटी मोटी बारिश मतलब क्या हो गई, 10 15 20 बूंद गिरे थोड़ी देर के लिए, 1 2 मिनट के लिए, उसके बाद हट गई, तो आप गर्मियों में क्या देखेंगे कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद भाई बारिश कितनी देर के लिए हुई, मुश्किल से 10 15 20 सेकंड, 1 मिनट के लिए हुई और बंद हो गई। फिर आप क्या देखते हो, जो गाड़ी बिल्कुल साफ भी थी उस पे जो बूंदे सूख जाती हैं, जो बारिश की बूंदे सूख जाती है, तो बिल्कुल पीले कलर की हो जाती हैं, ठीक है, पीले पीले कलर की हो जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों, तो बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि ये पानी की बूंद जब तक अपने एटमोस्फेयर पर है, तब तक तो भाई ये डिस्टिल वाटर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंप्यूरिटी नहीं है, कोई भी अशुद्धियां नहीं है, सारी चीज शुद्ध है। लेकिन जैसे ही वो लोग हमारे एटमोस्फेयर में एंटर करते हैं, तो ये सारे SO2 SO3 जो भी ज्यादा होगा, ठीक है, ये सब इसके अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब क्या बन जाते हैं, ये सब एसिड बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं, एसिड। मतलब इसीलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि बूढ़े बुजुर्ग वगैरह या आप लोगों के मम्मी पापा भी आपसे बोलते होंगे पहली बारिश में नहीं नहाना है। जब बारिश का मौसम शुरू होता है, मानसून आता है, तो पहली बारिश में नहाने के लिए मना करते हैं। क्यों, क्योंकि पहली बारिश में होता क्या है कि जितनी भी लू होती है, जितनी भी भाई धुआं धक्कड़ ये जितने भी है, ये CO2 गैस वगैरह सब कहाँ जा रहा होता है, ऊपर, और वो जाके भाई ऊपर बिछ जाता है, क्योंकि ये सारे हल्की गैसेज होती हैं, तो उठ के ऊपर चले जाती हैं। असल में देखो CO2 भारी है, SO3 भारी है, SO2 भारी है, NO2 भारी है। भारी का मतलब ये नहीं है कि भाई ये उठेंगे ही नहीं, ये इस लेवल पे भारी है कि हमारे सरफेस के बाद ये ऊपर नहीं जा पाते, हमारे सरफेस के टॉप पे आके रुक जाते हैं, और जब बारिश होती है तो उन्हीं के साथ साथ नीचे आ जाते हैं, समझ रहे हो? तो बस इसलिए इनको भाई यानी भारी गैसों में गिना जाता है, ठीक है। अब जब बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये सारी गैसेस क्या होंगी, पानी में मिलकर नीचे आ जाएंगी। और जब आपको मैं एक बात बता दूं, और जब ये CO3 ये CO2 उस वाटर से मिलता है ना, तो बनाता है क्या जानते हो, H2CO3, जिसका नाम है कार्बनिक एसिड। क्या नाम है, कार्बनिक एसिड। ये एक वीक एसिड होता है बच्चों, क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब मैं आपको बताता हूं, SO3 सॉरी SO2 प्लस H2O, ये जब इसके साथ मिलता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है H2SO3, जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, OA, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड हिंदी में भी है। अच्छा अभी मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, तो पहले ध्यान से सुनना क्या, कि जब ये SO3 SO2 के साथ जब वाटर मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बनिक एसिड। SO2 के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, ये दो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि हाँ जी एसिड रेन के समय, एसिड रेन बोले तो क्या, देखो आपने कई बार एसिड रेन का नाम सुना होगा, अम्लीय वर्षा हिंदी में। ये क्यों बोला गया बच्चों अम्लीय वर्षा, क्योंकि जब बच्चों पहली बारिश होती है,
क्या होती है? जब पहली बारिश होती है तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जितनी भी जहरीली गैसें हैं, पॉइजनस गैसें हैं, ये हमारे टॉप लेवल पे आके टिक जाती हैं, और जब बारिश होती है तो उसी के साथ साथ नीचे आ जाती है। तो क्या देखा आपने, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जब बारिश हुई तो बारिश के अंदर जो ये पानी है, आप कहोगे भैया ये तो D2O है, लेकिन बच्चों जैसे ही हमारे एटमोसफेयर में आता है ना, तो ये क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें जो हमारा डिस्टिल वाटर है, जब नीचे आता है ना ये बारिश का पानी, इसके बाद इसको वापस डिस्टिल किया जाता है मशीनों के द्वारा। मशीन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? डिस्टिल किया जाता है। लेकिन जब तक जैसे ही हमारे एटमोसफेयर में एंटर करता है, वापस ये क्या बन जाता है? H2O बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो जैसे ही H2O बन जाता है, तो अगर मान लो ज्यादा अमाउंट में CO2 है तो कौन सा एसिड बनाएगा? कार्बनिक। और अगर ज्यादा अमाउंट में SO2 है तो क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस। यही दो एसिड मेन है, यही दो एसिड मेन है जो कि भाई पहली बारिश में ये ज्यादातर ये एसिड बनते हैं, जो कि नीचे आने पर आपको जो मैंने बताया ना, स्कूटी पे या कार पे पीले पीले कलर के धब्बे आ जाते हैं, वो इसी एसिड की वजह से आते हैं। इसलिए जब मानसून आता है, पहली बारिश होती है, तो उस टाइम पे मछली वगैरह नहीं खानी चाहिए, मतलब सी फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई बारिश में भाई नदी के ऊपर कोई छाता तो नहीं है, या कोई ढकना तो है नहीं कि भाई उसको ढक दिया, डायरेक्ट पहली बारिश की बूंदें कहाँ गिरती हैं? नदियों में गिरती हैं, जिसकी वजह से वो मछली उन पानियों में रहती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। उस टाइम पे मोस्टली मछलियां बीमार होती हैं, वो उसी में रह रह के अपना इलाज करती हैं, लेकिन उस दौरान अगर उनको कोई खा ले तो वो भी फिर क्या होता है भाई, थोड़े दिक्कत में आना शुरू हो जाते हैं। वैसे मछली कभी बीमार जल्दी पड़ती नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों इसको जब पहली बारिश होती है, तो पहली बारिश के दौरान बनने वाले एसिड की वजह से उस रेन को क्या कहा जाता है? एसिड रेन। कौन सा रेन कहा जाता है? एसिड रेन। हिंदी में क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा। क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा। ठीक है, इसलिए पहली बारिश में हम लोगों को भाई भाई नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या बना देते हैं? एसिड बना देते हैं। तो ये तो बात मैंने करी भाई क्या, कि जब D2O नीचे कैसे आता है और क्या क्या हो जाता है इसके साथ। लेकिन आपका क्वेश्चन ये था कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके अंदर कोई आयन नहीं होते। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी आयन। ठीक है, कोई आयन नहीं होते, नो आयन। ठीक है, नो आयन्स। ठीक है, कोई आयन नहीं होते, कोई आयन नहीं होते। अब जब एक बात बताओ, जब कोई आयन ही नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? आयन चाहिए, और जब आयन होंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या है कि अगर आपसे पूछे कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं करता, तो आंसर बताओगे क्योंकि इसके पास आयन नहीं होते। ठीक है, और अगर आपसे पूछे एसिड रेन कैसे बनता है, तो आपको ये सारा प्रोसेस मैंने दिखा दिया, बस फटाफट नोट करो और आंसर बताओ। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, ये तो लिखवा ही दिया मैंने, डिस्टिल वाटर और उतार लो, फिर डिस्टिल वाटर भी लिखवा देता हूं। ठीक है, एसिड खत्म हो गया आपका, एसिड खत्म। तो बच्चों ये हो गया, फटाफट लिख लो अब। ठीक है, जल्दी से लिख लो, लिखो। एसिड में अब कुछ भी नहीं बचा। सबसे पहले लिखो, पहले तो ये लिख लो, लिखो व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? आंसर लिखेंगे इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज 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 इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव एनी आयन टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट हैव एनी आयन टू फ्लो, सॉरी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एनी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चलो फटाफट देखो जरा,
हिंदी हिंदी वाले, हिंदी वाले देखो, देखो आसुत जल विद्युत का प्रवाह क्यों नहीं करता? आसुत जल विद्युत का प्रवाह क्यों नहीं करता? इंग्लिश हिंदी वाले, ओ, अब इसका आंसर लिखो, लिखो लिखेंगे आसुत जल में कोई आयन नहीं होता है, आसुत जल में कोई आयन नहीं होता है, आसुत जल में कोई आयन नहीं होता है, इसलिए 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 यह विद्युत का प्रवाह नहीं करता, इसलिए यह विद्युत का प्रवाह नहीं करता। अब नेक्स्ट लिखेंगे व्हाट इज द एसिड रेन, व्हाट इज द एसिड रेन, लिखेंगे व्हेन मानसून कम्स, व्हेन द मानसून कम्स, व्हेन द मानसून कम्स द फर्स्ट रेन ऑफ मानसून, द फर्स्ट रेन ऑफ मानसून प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स एसिड्स, प्रोवाइड्स एसिड्स लाइक कार्बनिक एसिड्स एंड सल्फ्यूरस एसिड, लाइक कार्बनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड ठीक है जी, कार्बनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड विच फॉर्म्ड बाय पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, विच फॉर्म्ड बाय पॉइजनस गैसेस प्रेजेंस इन एटमोस्फेयर लाइक एसओ टू, लाइक एसओ टू एसओ थ्री एनओ टू सीओ टू, चारों गैसें लिख लो एसओ टू एसओ थ्री एनओ टू सीओ टू ठीक है। विच कॉज मैनी डिसीज, विच कॉज मैनी डिसीज देयर फोर इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन, देयर फोर इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। हिंदी वाले लिखेंगे, लिखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा क्या होती है, लिखिए जब मानसून आता है तो उसकी पहली वर्षा में, तो उसकी पहली वर्षा में, तो उसकी पहली वर्षा में तो उसकी पहली वर्षा में हाँ हाँ लिखिए तो उसकी पहली वर्षा में जल जल हमारी हमारे ना हमारे वायुमंडल में उपस्थित, हमारे वायुमंडल में उपस्थित कुछ जहरीली गैसों के साथ, जहरीली गैसों के साथ वर्षा का पानी मिल जाता है, वर्षा का पानी मिल जाता है,
जहरीली जहरीली गैसें समझ गया ना कौन कौन सी है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, जहरीली गैसें ये हैं तुम्हारी चार, के साथ मिल जाता है और कार्बनिक तथा सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, और कार्बनिक तथा सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, जो कार्बनिक तथा सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, जिससे व्यक्ति व्यक्ति जानवर जिससे व्यक्ति जानवर आदि बीमार पड़ सकते हैं, व्यक्ति जानवर आदि बीमार पड़ सकते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। चलो अब एक चीज और कंपेयर कर देता हूं, वो भी सुन लो, ठीक है। आपको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड तो बता ही दिया है, ठीक है, तो वो और देख लो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड की, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और यहां पे बात करूं मैं वीक एसिड की, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। हाँ जी, तो ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, जैसे यह है H2SO4, तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और H2SO3 यह है आपका सल्फ्यूरस, हिंदी में कहेंगे सल्फ्यूरस, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक, वो सल्फ्यूरस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग, देखो नीचे फोर लग गया तो स्ट्रॉन्ग, थ्री है तो वीक, ठीक है। अच्छा, अब HCl, ये तो आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, और इधर आपका अगर मैं H2CO3 लिखूं तो इसे कहते हैं कार्बनिक एसिड, क्या कहते हैं, कार्बनिक एसिड, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर इधर रिक लगा इधर निक लगा तो ये वीक कैसे हो गया, तो भाई याद रखना ये जो गैसेज है ना ये हमेशा वीक एसिड ही बनाती हैं, और इनको तो बकायदा फॉर्म किया जाता है इसलिए स्ट्रांग है, और ये खुद फॉर्म होते हैं इसलिए वीक है, ठीक है। और क्या है, HNO3, इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इधर है H3O HH, इसे कहा जाता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये नाम इसका है, ये नाम इसका है, ठीक है, ये नाम इसका है, ये नाम इसका है, ये नाम इसका है, इस तरीके से। तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड भी दो दो तीन तीन लिखवा दिए हैं, ये भी याद कर लेना। इसी के साथ आपका एसिड क्या होता है, खत्म। एसिड क्या हो गया बच्चों, खत्म। नेक्स्ट क्लास में बेस शुरू करके देखो, नेक्स्ट क्लास में क्या क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपका बेस शुरू हो जाएगा और बेस खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, और पीएच पेपर शुरू करा दूंगा, ठीक है। तो बेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, और खत्म भी हो जाएगा, और मे भी शायद मैं क्या शुरू करा दूं, पीएच पेपर शुरू करा दूं। तो बेस एक क्लास का है, एक क्लास में बेस खत्म हो जाएगा, फिर आपका पीएच पेपर शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, पीएच पेपर, ठीक है। चलिए।